Good morning, students. Today we are going to discuss our new chapter, that is electrochemistry. बेटा electrochemistry chapter को शुरू करने से पहले हम कुछ अपने basics clear करेंगे, जैसे कि reduction क्या होता है, oxidation क्या होता है, क्योंकि ये दोनों topics आपके कहीं ना कहीं आपकी 11th से connected हैं, जो आपने redox reactions के दौरान पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, रिडक्शन किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आवर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर रिडॉक्स चैप्टर इन क्लास 11th. ओके, सबसे पहली टर्म बेटा ऑक्सीडेशन क्या होती है. देखो बेटा, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन एक सिंपल टर्म में अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. लेकिन ये क्लासिकल कंसेप्ट था हमारा, जिसे हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन इस लेवल पे यूज़ नहीं करेंगे हम इसे. एक दूसरी टर्म जो हमारी क्या है, रिडक्शन. तो रिडक्शन क्या है, सिंपली अगर आप अपनी 10th क्लास के कंसेप्ट को उठाएं तो क्या होता है, सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन हम इन दोनों टर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे. एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के अंदर क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाती है आपकी, ऑक्सीडेशन. और वहीं पर रिडक्शन आपकी क्या कहलाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपकी क्या कहलाएगी, रिडक्शन. सेकेंड टर्म आपकी क्या होती है बेटा, सिंपली आप क्या बोल सकते हो, इट इज द रिमूवल ऑफ. अगर किसी रिएक्शन के दौरान रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन हट रहा है कहीं से, खत्म हो रहा है, मतलब किसी मॉलिक्यूल से हट के दूसरी जगह अटैच हो रहा है, तो अगर उस रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के हम क्या बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किसी मॉलिक्यूल का, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन. वहीं पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा बेटा आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा आपका रिडक्शन. कि देखो आपको ये टर्म्स नहीं पता होंगी तो हम आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्यों डील नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए. क्योंकि आगे हमें बहुत चीज़ों को, कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को डिसाइड करना है, क्वांटिटेटिवली डिस्कस करना है, क्वालिटेटिवली भी डिस्कस करना है हमें, तो और वहीं पर फिर हमें इलेक्ट्रो केमिकल सेल को भी डिस्कस करना है, या गैल्वेनिक सेल जिसे हम बोलते हैं, या वोल्टेइक सेल जिसे बोलते हैं, वो हमें डिस्कस करना है. उन सब के अंदर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये जो जनरल टर्म जो आपने रिडक्शन में पढ़ी थी वो आपको पता होनी चाहिए. और हम तीसरी टर्म में क्या बोल सकते हैं, सिंपली से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वहीं पर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम. फिर नेक्स्ट टर्म क्या बेटा आपकी, नेक्स्ट हम किस में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आपकी, या एडिशन ऑफ, या सिंपली आप बोलो रिमूवल, बोलो इसे आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. वहीं यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसको याद रखने का कोई, देखो सिंपल सा तरीका क्या है बेटा आपका, कि आपको पता है ऑक्सीजन क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और फ्लोरीन के बाद सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आपका ऑक्सीजन है. अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, मतलब क्या रिमूव कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, तो आप ऐसे भी इसे ध्यान रख सकते हैं. वहीं पर हाइड्रोजन लगभग आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के अंदर है और एडिशन हो रहा है, तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम. नेक्स्ट बेटा हम क्या बोल सकते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, अगर कहीं पर रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन.
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और वहीं पर आपका एडिशन ऑफ क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। इस चैप्टर के दौरान मैं इलेक्ट्रॉन को बार बार ई माइनस लिखूंगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, तो बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बेटा। ओके, एग्जाम्पल अगर आपको मैं वन बाय वन सभी के लेके दिखाऊंगा, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। नेक्स्ट आपका बेटा, आप क्या बोल सकते हो इसे, रिमूव इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, या एक ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट में भी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हालांकि हम इसे रेडॉक्स में डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसके नाम क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, सिंपली क्या बोल सकते हो आप, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। फिर बताना चाहूँगा इस चैप्टर के दौरान मैं इंक्रीज को ऐसे लिखूंगा, लेकिन आप एग्जाम के दौरान इस सिंबल को यूज नहीं करेंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है, ये सिर्फ टीचर्स ही अपने लिए यूज कर सकते हैं, आप लोग को ये नहीं अलाउड है। इसको सिंपली आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोलेंगे इसे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज, और फिर वही डिक्रीज के लिए जो सिंबल मैं यूज करूंगा वो नीचे की तरफ एरो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सभी को, एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर। देखो फर्स्ट टर्म अगर मैं आपको लूँ, अगर मैं फर्स्ट टर्म को लूँ, जैसे एग्जाम्पल लूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने बोला सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बना बेटा, एन ए टू। आप चेक करो यहाँ पर सोडियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। वहीं पर अगर मैं बात करूं सोडियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन, तो यहां से बनता है आपका सोडियम हाइड्राइड, क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड। आप इसे बैलेंस चाहो बैलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, एज योर विश, ठीक है बेटा, इसको ये लो, ठीक है, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं बोलूं यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली सोडियम का क्या हो रहा है बेटा आपका, रिडक्शन, सोडियम का क्या है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक सिंपल टर्म में हम इसे बोल सकते हैं। वहीं पर अगर किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो भी क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। एक एग्जाम्पल तौर पे और लें, जैसे मैंने बोला SO2 को कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है आपका, सल्फर ट्राईऑक्साइड। आप चेक करेंगे सल्फर के साथ इधर आपके कितने ऑक्सीजन है, दो, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर आपके तीन, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, सल्फर यहाँ पर किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपली आप लोग इसे बोल सकते हैं, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक मैं, तो बेटा बेटा यहाँ तक, तो बेटा यहाँ तक लगभग मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लियर होगा ये कंसेप्ट। अब आगे देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कॉपर ऑक्साइड, इसकी अगर मैं रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करता हूँ, तो एक बार चेक करिए क्या हो रहा है, कॉपर के साथ कॉपर से क्या रिमूव हो रहा है आपका, क्या बन रहा है, कॉपर प्लस H2O। अब आप चेक करिए बेटा ध्यान से देखिए, एक बार कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, या सिंपली हम कहते हैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अभी आपने क्या देखा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है दोनों ही केस में, क्या होता है आपका, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो और देख लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको और लेना चाहूँ, जैसे सिंपल सिलिकन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन, सिलिकन SI, सिलिकन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ कराता हूँ, तो क्या बनता है मेरा बेटा, सिलिकन प्लस NaCl। अब आप चेक करिए सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो गया है, तो सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। वहीं पर सिलिकन का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ से रिमूव हुआ है। आप लोग क्लासिकल कंसेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं सिंपली, और देखना चाहे एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको बोला
Cl2 प्लस एच टू, मतलब एच टू प्लस सी एल टू या सी एल टू प्लस एच टू एक ही बात है, एच टू प्लस सी एल टू या ये सिंपली वाइस वर्सा एक ही बात है, किसी को आगे लिखो किसी को पीछे, इससे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बनता है, एच सी एल। अब चेक करिए क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो रहा है आपका, सिंपली सोचिए क्या हो रहा है, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, या आप इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट की बात करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल बात करी आपको सोडियम के साथ, अगर मैं सोडियम से क्या निकाल दूं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस केटायन बनेगा। बताया मैंने आपको केटायन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, केटायन का जो टी होता है थोड़ा सा उससे बड़ा लिखेंगे तो याद रह जाएगा कि केटायन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है बेटा, ध्यान रखना। वहीं पर एनायन क्या होते हैं, हमेशा इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है केटायन और एनायन के बारे में, ध्यान रखना। कैटायन और एनायन पे जो चार्ज है वो कभी नहीं बदलता, कभी हम एनायन को पॉजिटिव नहीं बोल सकते, एनायन ऑलवेज रिमेन नेगेटिव, याद रखना एन का मतलब नेगेटिव, कुछ इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं इस निमोनिक को। ओके, सोडियम प्लस से क्या बना, क्या निकला आपका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना प्रोडक्ट की तरफ निकल रहा है तो क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां पर चेक करो ऑक्सीडेशन, वहीं पर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता हुआ तो एलिमेंटल फॉर्म में अगर किसी पर कोई चार्ज नहीं है तो कौन सा चार्ज होता है बेटा, जीरो। और इस आयन पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस पे कितना है, ऑक्सीजन पे कितना है, तो जीरो से प्लस वन जाना क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। आप यहां से किसी भी रिस्पेक्ट में देख लो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देख लो, आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देख लो। कैसे, आप सोडियम चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। सोडियम प्लस में कितने रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद 10। तो सोडियम के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +1। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। ओके, वहीं पर एग्जांपल लूँ मैं क्लोरीन, क्लोरीन गैस का अगर रिडक्शन हो रहा होता तो सिंपली क्या होता, क्लोरीन में अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता, सपोज को सीएल ले लिया सिर्फ मैंने आपको, और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया होता, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया होता तो क्या बन जाता, Cl-। अब आप चेक करो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसके, 17 है, और यहाँ पर कितने हो गए इसके, 17 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन, जिसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो अब चेक करो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज होने सिंपली। तो रिडक्शन क्या होता है आपका, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद होगा तो आप एक ट्रिक याद करते थे 10th क्लास तक, ऑयल रिग, ऑयल रिग, ऐसे RIG, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते थे ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल का मतलब यहां पर लॉस था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहां पर क्या होता है आपका, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से आप इसे रिमेंबर करते थे, आई थिंक सो, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं इसे। हमने देखो ये हम बहुत बेसिक कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा फिर रिपीट करिए इस वीडियो को। अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे इसका मतलब आप चैप्टर को आगे नहीं डील कर सकते इससे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो इधर, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहीं पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो कुछ नहीं है, तो इस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जीरो, और इस पे चार्ज कितना है, -1, नेगेटिव -1। तो आप चेक करिए नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये भी क्या आपका, सिंपली रिडक्शन। रिडक्शन क्या बोलता है आपको, रिडक्शन आपको बोलता है जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए आपका, ऑक्सीडेशन को मैं OXI लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, सिंपली डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। मैंने आपको बताया था नीचे की तरफ एरो लिखी, मतलब डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, सिंपली इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, सिंपली इंक्रीज कर रहा है। तो मैं यहाँ से आप लोगों से आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। जैसे अभी हमने लिखा सोडियम की, किसने जीरो लिख दी ऑक्सीजन स्टेट आपकी, एक या +1 लिख दी, ये लिखते कैसे, मतलब ये पता कैसे चलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली है क्या। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे थे बेटा कि ऑक्सीजन स्टेट निकालते कैसे हैं। देखो बेटा, मैं बहुत ही सिंपल रूल्स में आपको बता रहा हूँ
ये रूल्स आपको 12th क्लास में कोई नहीं पूछने वाला, आपसे 11th में भी कोई रूल्स नहीं पूछने वाला ये रूल्स, लेकिन ये रूल्स आपसे मतलब आपसे ऑक्सीजन स्टेट पूछी जाएगी। अब आप ऑक्सीजन स्टेट आपको तब तक नहीं पता होगा जब तक आपको रूल्स नहीं पता होगा, कोई रूल्स आपसे लिखवाने वाला नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है, लेकिन आपको निकालने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इन्हें शॉर्ट में अपनी नोटबुक के अंदर लिख के रखिए। तो रूल्स लिखवा रहा हूँ बेटा, कैसे निकालते हैं रूल्स, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, ठीक है बेटा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑक्सीडेशन सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो बेटा, ये सिंपली एक चार्ज होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से किसी एटम के ऊपर डेवलप हो जाता है। तो सिंपली आप अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपली अगर सिंपल टर्म में अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन, या तो आयन पे डायरेक्ट दिख रहा है आपको, या और अपीयर किस वजह से होगा, शेयर करने की वजह से होगा, और अपीयर टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड मतलब किसी के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है कोई एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कोई एटम, सिंपली यहां पर हम बात कर सकते हैं किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं हम यहां पर। व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम्स, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं रूल्स की वन बाय वन। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई एलिमेंट अपनी, इफ एन एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कोई, अगर कोई एलिमेंट अपनी कोई फ्री स्टेट के अंदर, इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फ्री, या तो वो एलिमेंट फ्री हो, जैसे एग्जांपल मैंने बोला हीलियम, या तो फ्री एलिमेंट फ्री स्टेट में हो, या एलिमेंट स्टेट में जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, जिस स्टेट में वो आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता आपका H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन कैसे ऐसे नहीं, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता आपका O2 की फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में। तो एज ए स्टेट में आप हमेशा क्या लोगे, इज ऑलवेज, तो इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन L3 और एलिमेंट्री स्टेट, देन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका बेटा, हमेशा इज ऑलवेज जीरो, आप जीरो मानोगे। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जीरो। इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जीरो। इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जीरो। अब मैंने आपको बोला सिर्फ सोडियम, मेटल है तो मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, हमेशा जीरो। एलिमेंट्री स्टेट के अंदर वो अकेला एलिमेंट है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, मतलब फ्री स्टेट में है वो एलिमेंट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिंपली स्टेट के अंदर हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, जैसे एग्जांपल में आपके मैंने रब कर दी, मैं दोबारा ले लेता हूँ, हीलियम जीरो, O2 की भी क्या होगी, जीरो होगी, नाइट्रोजन की भी क्या होगी आपकी, जीरो होगी, फ्लोरिन की भी क्या होगी आपकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी, क्लोरिन की भी क्या होगी बेटा आपकी, जीरो होगी, ब्रोमीन की भी क्या होगी आपकी, जीरो होगी, मतलब एलिमेंट्री स्टेट में अगर वो एग्जिस्ट करता है। अब आपको पता है सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी भी क्या होगी, जीरो होगी। फॉस्फोरस किस एग्जिस्ट करता है, P4 में एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगी, जीरो होगी। जी आपको पता होनी चाहिए, आप 12th क्लास के अंदर अगर इस टॉपिक्स को किसी से पूछते हैं तो मतलब ये आप लोगों के लिए मतलब एक अजीब सी बात होगी कि आप लोग 11th करके आए हैं, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट, अगर कोई आयन है, ध्यान से सुनो, अगर कोई आयन है आयनिक स्टेट के अंदर, तो जो चार्ज उस आयन के ऊपर वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। क्या मतलब है, नहीं समझ में आया, देखो क्या मतलब है, आप स्टेटमेंट लिखिए, इफ एन एलिमेंट इज इन मोनो एटमिक, अकेला है वो, मोनो
एटॉमिक और क्या है वो आयन है और इन आयनिक स्टेट। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा देन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा आपका, इज इक्वल टू द चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जो उस पर चार्ज होगा वही होगा। क्या मतलब है, मैंने लिखा एल्यूमिनियम, अब अकेला एटम है, इस पर कितना चार्ज लिया +3, तो मैं आपसे बोलूँ बताओ इसकी ऑक्सीडेट क्या होगी, तो आप सिंपली क्या बोलोगे इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, स्टेट क्या होगी +3। मैंने बोला सोडियम प्लस, क्या बोला मैंने आपको सोडियम प्लस अकेला है, तो इसकी ऑक्सीडेट क्या होगी +1। ये मतलब है मेरे कहने का मतलब, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। चलते हैं अब आगे अगली तरफ, देखिए थर्ड थर्ड रूल देखिए बेटा, अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको मेटल के अंदर, अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है किसी से, ध्यान सुनना, अगर वो कंबाइंड स्टेट के अंदर है, जैसे मैं बोला सोडियम क्लोराइड, तो इसमें अगर मैं आपकी बात करूँ सोडियम की ऑक्सीस्टेट क्या होगी यहाँ पर, ठीक, अगर वो कंबाइंड है, देखो अकेला सोडियम होता तो ऑक्सीस्टेट क्या होती है इसकी 0, लेकिन अगर वो NaCl के साथ प्रेजेंट है तो यहाँ सोडियम की ऑक्सीस्टेट क्या होगी, देखो यहाँ पर अकेला था तो 0 एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ NaCl में कंबाइंड फॉर्म है तो इसकी क्या होगी सोडियम की कितनी होगी +1 होगी। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कंबाइंड स्टेट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स बेटा मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है जो एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स वो कौन से होते बेटा आपके, मैं लिख देता हूं नाम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्या बेटा आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, ध्यान रखना हमेशा, अगर ये कंबाइंड फॉर्म है तो हमेशा +1 होगी विदाउट एनी सेकेंड थॉट। इसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैं बात ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट की बात है, ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसे हम क्या बोलते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो कौन से बेटा आपके, एग्जाम्पल देखिए बेटा कौन से आपके, बेरिलियम है आपका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और क्या होगा आपका रेडियम, सिंपली रेडियम दैट इज Ra। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमेशा क्या होगी आपकी +2, आपको सोचने जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बेरिलियम क्लोराइड लिखा और मैं आपको बोलता हूँ बताओ बेरिलियम की क्या ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पर, एक बेरिलियम में कितनी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी +2, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। इतनी बात होप आपको क्लियर होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन्स कौन से होते बेटा आपके, जैसे 17th ग्रुप फैमिली जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टाटीन, एटी, वैसे जरूरत नहीं है याद रखने की आपको, इन सब की इस जनरली इन सब की ऑक्सीजन स्टेट बेटा आप क्या लोगे, जनरली लेते हैं हमेशा नहीं, जनरली जब तक कि इनसे ज़्यादा ऑक्सीजन इनसे ज़्यादा सॉरी इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अगर प्रेजेंट ना हो तो हमेशा क्या लोगे माइनस। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पर NaCl की बात करूँ तो मैं बोलूँ क्लोरीन क्या लोगे -1, क्योंकि सोडियम है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इससे ज़्यादा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंपली ये कह सकते हैं आप लोग। लेकिन जैसे अगर मैं बात करता हूँ IF7, यहाँ पर आप अगर मैं आपसे बोलता हूँ आयोडीन क्या होगी, आप यहाँ पर -1 नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्या लिखोगे आप इसकी +7 है, निकालनी सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ फ्लोरीन कितनी है यहाँ पर, एक फ्लोरीन पे -1 है तो 7 पे कितनी हो जाएगी इसकी भी -7, क्योंकि हम यहाँ पर जल्दी ऑक्सीजन स्टेट होती है वो एक एलिमेंट एक एटम के रिस्पेक्ट में बोली जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग कह सकते हैं 99.9% केसेस में ना आप क्या लोगे +1 लोगे, एक्सेप्ट वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ ना हो और सेकंड ग्रुप एलिमेंट के साथ ना हो, जहां पर इसकी क्या लोगे आप -1,
ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ HCl, तो हाइड्रोजन की क्या लोगे? प्लस वन। वहीं पर मैं आपको बात करूँ तो बोलूँ NH की क्या लोगे? तो सोडियम की हमेशा क्या लेते हैं? प्लस वन। तो इसकी प्लस वन, तो इसकी क्या हो जाएगी? माइनस वन। तो हाइड्रोजन की जब हाइड्राइड्स के केस में हम क्या लेते हैं सिंपली, क्योंकि जब हाइड्रोजन माइनस वन ऑक्सीजन स्टेट में, तो उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हाइड्राइड। ये ध्यान रखना है इस बात में। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन की। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की जन 99.9% केसेस में आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की, बेटा देखो ऑक्सीजन स्टेट या तो जीरो तो होगी जब एलिमेंटल फॉर्म में होगी, मतलब जब O2 होगी, तो या फिर आप इसकी देखो ये ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है, या तो -2 होगी या -1 होगी या -1/2 होगी। अब आप ध्यान रखना इसे 99% केसेस में आप कह लोगे -2 लोगे। -1 कब लेनी है? जब ये परऑक्साइड फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? परऑक्साइड। क्योंकि -2 में हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं ऑक्सीजन को। और सुपरऑक्साइड कब बोलनी है? माइनस आपको क्या बोलते हैं? सुपरऑक्साइड फॉर्म में बोलते हैं। ये जनरली आपकी कहाँ किसके साथ मिलती है? लगभग दो ही एलिमेंट हमारे पास, KO2 और RbO2, ठीक है। रुबिडियम डाइऑक्साइड केस में हम इसे क्या लेते हैं? माइनस हाफ। और परऑक्साइड केस में तो जैसे H2O2 आपने नाम सुना होगा, Na2O2 हुआ आपका, या आप जब क्या कहते हैं आप लोग ऑर्गेनिक के साथ डील करेंगे आप लोग, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। बेंजोइल परोक्साइड लेते हैं, मतलब जितने परोक्साइड ऑर्गेनिक परोक्साइड है, या इसके किसी शेड प्लस टू भी हो सकती है। ध्यान रखना क्या हो सकती है? प्लस टू। प्लस टू कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे प्लस आप एग्जाम्पल ले सकते हैं OF2, ठीक है। क्या लेते हैं? OF2, या आपकी प्लस वन भी हो सकती है किसके अंदर? O2F2 के अंदर। ये आप लोग हम लोग पढ़ेंगे फ्लोराइड, सॉरी फ्लोराइड्स के अंदर जब हम 17th ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहां हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे ध्यान रखना। अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल है, मतलब मॉलिक्यूल अगर कोई आपका क्या है? न्यूट्रल है। जैसे मैंने बोला NaCl पे ओवरऑल क्या चार्ज होगा? हमेशा जीरो। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? इन न्यूट्रल कंपाउंड्स द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज जीरो, ऑफ ऑल द एटम इज जीरो। इसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बेटा आपका क्या है, अगर आपका पोली एटोमिक आयन है, इन पोली एटोमिक, देखो अपने मोनो एटोमिक आयन की तो बात करी थी, लेकिन अगर पोली एटोमिक आयन की केस की अगर मैं बात करूं, इन पोली एटोमिक आयन्स द एल्जेब्रिक सम, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट का, सभी ऑक्सीडेशन जितने भी आपके एटम्स हो गए उन सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो सम है एटम्स, सभी एटम्स का, वो हमेशा कितना होगा? जो उस पर चार्ज होगा। इन पोली एटोमिक आयन्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms in the ion is equal to charge on ion। ये आप ध्यान रखें यहां पर, ठीक है बेटा। ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एग्जांपल मैं बात करूँ CN माइनस में, बोलते हैं पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा? -1। जो इस पे चार्ज पूरे पे -1 है, ध्यान रखना ये, ठीक है बेटा। मैं बोलता हूँ SO42 माइनस है, तो इस पूरे एटम पे कितना चार्ज होगा? इस पे -2 होगा। जो इस पे आयन पे चार्ज, इस पूरे आयन का जो चार्ज हो -2 है, ध्यान रखना। PO42 माइनस है आपका, सपोज करो PO43 माइनस आपका है, तो इस पे कितना होगा? -3 होगा। तो आप लोग चेक करिए आज इतना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करना चाहते तो हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, मतलब सर्च सॉरी सर्च करने मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, तो बेटा देखो अब आगे देखो, हम अगर हमें ऑक्सीजन शीट निकालनी है, जैसे KMnO4 की निकालनी है, KMnO4 में MN की ऑक्सीजन शीट बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम जिसकी निकालनी उसे क्या मान लेते हैं? एक्स। अब पोटेशियम की कितनी होती है बेटा? +1। इन सब का सम और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। और पूरे क्या पूरे पे कोई चार्ज है? नहीं है, तो इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? जीरो। तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के देखो कितनी आएगी आपकी? +7। तो मैं आपको बोलता हूँ, मतलब KMnO4 पे क्या ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पर, आप क्या बोलोगे? सिंपली +7।
और दूसरा एग्जाम्पल देखो H2SO4, मैं बोलता हूँ बताओ सल्फर पे क्या ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली दो हाइड्रोजन है तो दो पे एक हाइड्रोजन कितना प्लस वन होता है, जिसकी निकालनी हो उसे एक्स मान लो, चार हाइड्रोजन है माइनस टू ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी आपकी, एक ऑक्सीजन की माइनस टू होती है इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आएगी आपकी प्लस सिक्स आ जाएगी। अब मैं आपको बोलता हूँ SO2 के अंदर सल्फर की बताओ क्या ऑक्सीजन स्टेट होगी, तो आप जिसकी निकालनी उसे क्या मान लो एक्स, क्या मान लो उसे एक्स मान लो, और कितने ऑक्सीजन है दो, एक ऑक्सीजन कितना होता है माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से प्लस फोर। आप कुछ एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर से आप इन्हें निकाल के देखिए एक बार, जैसे एग्जाम्पल और देखिए H2S2O7 है, अब आपको तो बताओ सल्फर कितनी है, अब आपको जिसकी निकालनी है उसे टू एक्स मान लो, कितने सल्फर है एक दो है, तो एक एक्स है तो दो क्या हो जाएंगे टू एक्स हो जाएंगे। अब एक हाइड्रोजन में कितना चार्ज होता है प्लस वन, प्लस दोबारा देता हूँ, एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है आपका प्लस वन, कितने हाइड्रोजन है दो सम, प्लस कितने सल्फर है दो, एक पे कितना होगा एक्स तो टू एक्स प्लस सेवन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, आप इसे निकाल के चेक करना कितना आ जाएगा आपका टू प्लस टू एक्स प्लस माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से प्लस ट्वेल्व, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेल्व बाई टू, इसकी भी कितनी आ जाएगी आपकी प्लस सिक्स। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, थैंक यू।